गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पावर्ड बाय डायमंड सांस कोचिंग रामचंद्रपुर अंदर पतली उजियारपुर समस्तीपुर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म बता रहा था, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म बताने जा रहा हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए कैसे आप एक्टिव से पैसिव आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देखेंगे, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे पैसिव में चेंज करना है। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अब देखिए जब इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट में आप इसमें केवल सब्जेक्ट के बाद हैड लगाइए, हैड के बाद आप बीन ऐड कर दीजिए और ये भी3 रह जाएगा प्लस बाई और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। हमारे जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं आपको कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट से यदि आप ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आई बदल जाएगा मी में, बी बदल जाएगा अस में, दे बदल जाएगा देम में, सी बदल जाएगा हर में, ही बदल जाएगा हिम में और यू और दुनिया किसी नेम में कोई चेंज नहीं होगा। एक सेंटेंस इस पे देख लेते हैं, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ए लेटर को इधर से इधर ले आइए, ए लेटर के साथ आप हेड लगा दीजिए, हेड के बाद आप बीन लगा दीजिए, है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि हेड के बाद आपको बीन ऐड कर देना है। ये भी3 रह जाएगा, मतलब रिटर्न ही रह जाएगा, इसमें आपको कोई चेंज करना नहीं है। बाई आई बदल जाएगा मी में, एकदम सिंपल है। एक सेंटेंस और देख लीजिए इस पर कि राधा हैड फूड। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये एचवी है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। फूड को इधर से इधर लाइए, फूड के साथ आपको हैड बीन ऐड कर देना है और भी3 में कहीं कोई चेंज हमें करना ही नहीं है। बाई राधा इधर रहे, सब्जेक्ट में रहे या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, राधा राधा ही रह जाएगी, इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। चलते हैं इसके निगेटिव स्ट्रक्चर पर, हमारे साथ बने रहिए और देखिए कितना आसान है आपके लिए एक्टिव से पैसिव समझना। जल्दी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगी आप हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता है रामचंद्रपुर अंधेल पतेली उजियारपुर समस्तीपुर और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9006049529। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। और जो हमारे 10th वाले बच्चे अभी हाल फिलहाल में पास किए हैं वो भी यदि हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं टेंस का एक बेसिक फुल कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस का मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, ओके। देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसे यदि आपको पैसिव में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, हेड को यूं ही छोड़ देना है, प्लस बीन ऐड कर देना है, सॉरी यहाँ पे आपको नॉट के बाद बीन लगाना है, नॉट प्लस बी और ये हमारा जो भी3 है भी3 रह जाएगा प्लस बाई और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब जैसे मैं क्वेश्चन करूँ कि आई हैड नॉट प्लेड द तबला, अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। हमें क्या करना है,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है तो तबला को इधर से इधर ले आइए, सिंपल है। और इसके बाद आपको क्या करना है, हैड नॉट बीन उतार देना है, सिंपल है। हैड नॉट बीन ऐड कर दिए और भीतरी के बाद आपको लगाना है, भीतरी लगाना है तो भीतरी पहले ऑलरेडी है पहले से ही, तो प्लेड और बाई ऐड कर देना है और आई बदल जाएगा नी, ठीक है। हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे। केवल स्ट्रक्चर को समझिए और उसके हिसाब से आप आसानी से किसी भी इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी सेंटेंस को आप ऐसे में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपका स्ट्रक्चर को समझना कि क्या यहाँ पे क्या ऐड करना, देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ये हमारा इंडिकेटिव स्ट्रक्चर है। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, यहाँ बीन लगा देना है और ये भीतरी भीतरी रहेगा प्लस बाई और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में और क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। और देखिए हैड को इससे पहले यूं ही छोड़ देना, जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे, हैड आई, हैड आई टोल्ड यू अ सॉन्ग। अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आए उसी को आपको चेंज करना है, नहीं तो आप ए सॉन्ग के बाद ए सॉन्ग को भी चेंज कर सकते हैं। ए सॉन्ग को इधर से इधर ले आइए, ए सॉन्ग से पहले तो हैड लगेगा ही, राइट। और देखिए इसके बाद आपको क्या ऐड कर देना है, बीन ऐड कर देना है और भीतरी भीतरी ही रह जाएगा टोल्ड यू बाई आई चेंज हो जाएगा मी, एकदम सिंपल है। तो चलते हैं आगे और देखिए आपके लिए डब्ल्यू एच भी समझना उतना ही आसान होगा जितना आप अफर्मेटिव नेगेटिव समझे हैं, ओके। अब देखिएगा इसका डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसे यदि आपको पैसिव में चेंज करना हो तो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, उसके बाद आपको बीन ऐड कर देना है और ये बी थ्री बी थ्री छोड़ देना है प्लस वाई और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और डब्ल्यू एच और हैड में भाई कोई चेंज करना ही नहीं है। हैड ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो सबके साथ लगता है, दुनिया कोई नाम हो आई हो बी हो यू हो सबके साथ हैड लगेगा। जैसे मैं बोलूं व्हेन हैड आई संग अ सॉन्ग, अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये सॉन्ग को इधर से इधर लाइए। अब देखिए ए सॉन्ग से पहले आपको हैड लगाना है और इसमें कहीं कोई हमें बदलाव करना ही नहीं है। अब ए सॉन्ग के बाद हम बीन ऐड कर दिए, ठीक ना, और बीन के बाद हमको बाई ऐड कर देना है, सॉरी बी थ्री ऐड करना है संग बाई आई चेंज हो जाएगा मी। तो आज मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर का पैसिव फॉर्म बताया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, सो टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, टेक केयर।